नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के कोडिनार तालुका के पास जो आया है जमजीर का वाटरफॉल, वहाँ का आप मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। आप अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं समर में वाटरफॉल कैसा दिखता है और मॉनसून के दौरान उसका रौद्र स्वरूप कैसा होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो को ज़रा भी स्किप करे बगैर आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ये वाटरफॉल के बारे में। ये जंजीर का वाटरफॉल है जिसके बारे में आप वो कहाँ से इसका पानी आता है और किस तरह से ये वाटरफॉल इतना रौद्र स्वरूप लेता है मानसून के दौरान। तो ये देख सकते हैं आप, ये रिवर जो आप समर के दौरान, यानी कि ये समर में ऐसा रिवर होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं और एंजॉय करते हैं। और ये समर के अंदर देखिए आप, ये जंजीर का वाटरफॉल है जो जामवाड़ा गिर के नज़दीक ये वाटरफॉल है और आप ये नज़ारा देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको इसका मानसून का रौद्र स्वरूप कैसा होता है वो भी दिखाऊंगा। तो ये वाटरफॉल के अंदर आप नहाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम है और इसमें आप जोखिम ये नहीं ले सकते। देखिए, ये मानसून के दौरान जब जामवाड़ा गिर के अंदर जो डैम है, जो जामवाड़ा का डैम है, वो सिंगोड़ा डैम से ये पानी छोड़ा जाता है, ओवरफ्लो होने पे, मानसून के दौरान ओवरफ्लो होने पे ये पानी छोड़ा जाता है और वही पानी जो है वो जमजीर के वाटरफॉल में आता है और वहाँ से आगे बहुत सारे विलेजेस को पार करते हुए कोडिनार तालुका के ये सिंगोड़ा रिवर को होते हुए ये पानी, देखिए ये नज़ारा आप जामवाड़ा वाटरफॉल का जो रिवर है, ये रिवर सिंगोड़ा रिवर का है। और ये देखिए उस तरफ से, यानी कि डैम की ओर से ये पानी जंजीर वाटरफॉल तक आता है। देखिए आप, ये रिवर में आप देख सकते हैं और ये इसका आसमानी व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और देखिए आप, ये पूरा देखिए आप, ये आसमानी नज़ारा ये जमजीर का वाटरफॉल का रौद्र स्वरूप है। और आप देख सकते हैं जिस वाटरफॉल पे आप समर में जाते हैं स्नान करने, वो वाटरफॉल देखने तक आप मानसून में नहीं जा सकते, इतना खतरनाक ये पूरा पानी से भरा हुआ होता है। और ये पूरा पानी है जो मानसून के दौरान गिर में बारिश होती है, वो बारिश का पानी वो सिंगोड़ा डैम के अंदर इकट्ठा होता है। जब ओवरफ्लो होने पर उसके जो दरवाजे खोले जाते हैं, वो दरवाजे खोलने पर ये पानी सारा यहाँ जंजीर वाटरफॉल में आता है। और ये रिवर के माध्यम से ये सिंगोड़ा रिवर पूरा जो है वो कोडिनार होके डायरेक्ट समुंदर में मिल जाता है। तो देखिए ये आप पूरा नज़ारा देखिए। धन्यवाद।